हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से रीजन होते हैं जिसके वजह से जब हम सेल इनवाइस बनाते हैं तो उस पर टैक्स के अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टोटल ऐसे 10 रीजन बताऊँगा जिसके वजह से जब आप सेल इनवाइस बनाते हैं तो उस पर टैक्स के अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और दूसरी बात, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले जो रीज़न है मैं आपको इस सेल इनवाइस के माध्यम से बताऊँगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सेल इनवाइस है, मनोज इंटरप्राइजेज, ये लोकल पार्टी है। ठीक है, इसको हमने कुछ माल सेल कर रहे हैं और इस पर टैक्स के अमाउंट जैसे ही चार्ज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस पर हमारी टैक्स के अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट ए करना है। ठीक है, ऑल्ट ए करेंगे तो एनालिसिस खुलेगा जिससे कि आपको काफ़ी हद तक ये पता चल जाएगा कि एरर क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने ऑल्ट ए किया और उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे को लगा कि ये एरर है, इसलिए हम इसमें सेल अकाउंट्स में गए, जो सेल अकाउंट्स का लेजर है इस पर गए, इसको ओपन किए। ठीक है, ओपन करने के बाद जब हम नीचे आए यहाँ पे तो जीएसटी अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नोट अप्लीकेबल किया हुआ है, जबकि होना चाहिए अप्लीकेबल, क्योंकि जीएसटी इस पर अप्लीकेबल है, टैक्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको हम अप्लीकेबल कर देंगे। तो जैसे ही अप्लीकेबल करेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा इस पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों ये पहला एरर है जो कि हमारे से गलती हो जाती है जिसके वजह से हमारे सेल इनवाइस पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का एरर आए तो पहले आप सेल अकाउंट, जो सेल अकाउंट्स का लेजर है उसमें जाएं और उसको आप चेक करेंगे क्या आपने जो जीएसटी अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को क्या अप्लीकेबल किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये पहला रीजन है जो कि यहाँ से अगर गलती कर देते हैं तो आपके टैक्स के अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब दूसरा, ऐसा कौन सा रीजन है जिसके वजह से आपकी टैक्स के अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम एक बार सेल वाउचर खोलते हैं। ठीक है, एक सेल इनवाइस मैंने खोल लिया। सेल इनवाइस खोलने के बाद अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे देविका इंटरप्राइजेज है जो कि लोकल पार्टी है। ठीक है, इसको हमने कुछ सामान बेच रहे हैं और इस पर जब हम CGST AGST टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स के अमाउंट ऑटो चार्ज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं रहा है? इसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट ए करना है जिसे एनालिसिस खुलेगा, एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हमारा इंटर स्टेट सेल टैक्सीबल यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि ये हमारा जो सेल है वो सेल टैक्सीबल है यानी लोकल सेल है। ठीक है, तो ये क्या एरर है, अब हम इसको चेक करने के लिए जाते हैं कहाँ पर, सेल अकाउंट्स वाले लेजर पर। ठीक है, सेल अकाउंट वाले लेजर पर जैसे ही यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, एक मिनट, यहाँ से गए सेल अकाउंट से लेजर पे, तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स में हमने क्या सिलेक्ट किया है, इंटर स्टेट सेल टैक्सीबल, जबकि होना चाहिए सेल टैक्सीबल। ठीक है, लोकल सेल के लिए क्या होता है, सेल टैक्सीबल। जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो देखा कि हमने ये टैक्स हमारा जो है ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी जो सेल इनवाइस होता है उस पर टैक्स के अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है। तो जब भी इस तरह का एरर आए तो आप यहां से जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल को सही सेलेक्ट किया है या नहीं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे रीजन पे कि तीसरा ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिससे कि हमारे टैक्स के अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, हमारे सामने एक इनवाइस इस तरह से है, मैंने खोल लिया, मोहित इंटरप्राइजेज जो कि ये दिल्ली की ही पार्टी है, इस पर हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, CGST और SGST। जैसे ही हम CGST SGST अमाउंट लगाए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो टैक्स के अमाउंट हो वो चार्ज हो ही नहीं रहा है। अब एनालिसिस भी करके देखा तो इसमें देख रहे हैं कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या रीज़न है भाई जिसके, अब क्या रीज़न है कि जो कि हमारे टैक्स भी चार्ज नहीं हो रहा है और एनालिसिस में भी नहीं दिख रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने जाएंगे आइटम में। ठीक है, आइटम पर क्लिक करेंगे। आइटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि GST अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, हमने नॉट अप्लीकेबल किया हुआ है, जबकि यहाँ पे आपको अप्लीकेबल करना है। ठीक है, अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे आपको टैक्सीबल और डेट, यहाँ पे रेट वगैरह GST डिटेल आपको डालना है, अप्लीकेबल फॉर्म डालना है, HSN कोड डालना है, देन उसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेव करके यहाँ पर CGST AGST लगाएंगे तो देखेंगे कि हमारा ये टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिक चार्ज हो गया। तो दोस्तों ये तीसरा रीजन है, इस रीजन से भी, इस कारण से भी आपके सेल इनवाइस पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है। तो जब भी रीजन आए तो यहाँ से भी आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने जो आइटम बनाया है उसमें आपने GST को अप्लीकेबल किया है या नहीं किया है।
ठीक है, ये तीन ही रीजन हो गया। अब आते हैं हम चौथा रीजन। चौथा रीजन ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारी जो टैक्स के अमाउंट है, अरे सॉरी सैलरी इनवाइस है, उस पर जो टैक्स है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम भी एक इनवाइस खोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक इनवाइस बनाया हुआ है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, जो कि दिल्ली की पार्टी है, इसको हमने कुछ सेल कर रहे हैं, इसलिए इस पर टैक्स कौन सा लगाएंगे, CGST और AGST। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर CGST AGST लगाया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अभी सोचेंगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऑल डे करना है, एनालिसिस खुलेगा तो इसमें काफ़ी हद तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस रीजन से नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू तो शो हो रहा है बट टैक्स अमाउंट नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आइटम पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, जो आइटम का लेजर है उसको एक बार ओपन करेंगे और उसमें एक बार चेक करेंगे क्या हमने जो लेजर बनाया है आइटम का, क्या वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है, हम आइटम पे गए यहाँ पे, अब इसको हमने ओपन कर लिया है एक बार आइटम को। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने GST अप्लीकेबल तो सही डाला है, यहाँ पे यस करते हैं, इसको जैसे ही यस करके इंटर करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ टैक्सेबिलिटी को हमने नील रेटेड कर दिया है। ठीक है, जबकि होना चाहिए आपको टैक्सेबल, GST के ऊपर आप इस पर टैक्स लगा नहीं, यानी टैक्सेबल है, जबकि हमने गलती से यहाँ पे नील रेटेड कर दिया था, इसलिए इसको टैक्सेबल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेबल फ्रॉम HSN कोड, और फिर यहाँ पे जो नील रेटेड टैक्सेबिलिटी में शो हो रहा है इसको टैक्सेबल करके इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी रीजन है कि आप अगर मान लीजिए कोई भी इनवाइस अगर बना रहे हैं तो आपके आइटम में आपने क्या नील रेटेड तो नहीं डाल दिया है, एग्जेम्प्टेड तो नहीं डाल दिया है, नॉन GST तो नहीं डाल दिया है, जिसकी वजह से आपके टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने टैक्सेबल किया तो देखेंगे हमारा चार्ज हो गया। तो आप कभी भी जब इस तरह के एरर आए तो यहाँ से भी जाके आप इस एरर को एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या आपने यहाँ पे कोई एरर तो नहीं कर दिया है जिसकी वजह से आपकी टैक्स ऑटो कैलकुलेट चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये था आपका चौथा रीजन। अब दोस्तों बात करते हैं हम पाँचवें रीजन का, कि पाँचवा रीजन ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारे जो सेल इनवॉइस उस पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हम फिर एक बार सेल इनवॉइस खोलेंगे। ठीक है, मेरे पास ये सेल इनवॉइस है, अब इसको हमने किसी पार्टी को कुछ सेल कर रहे हैं जबकि वो कैश सेल है, इस पर हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं CGST और SGST। तो क्या देख रहे हैं कि इस पर जो हम CGST और SGST जैसे चार्ज कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि इस पर टैक्स तो चार्ज हो ही नहीं रहा है। तो क्या रीजन भाई, यहाँ पे ऑल्ट ए करना है आपको। क्या करना है, ऑल्ट ए एनालिसिस में देखना है, कुछ हद तक तो पता चलेंगे, प्रॉपर तो नहीं पता चलेगा लेकिन कुछ हद तक आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ क्या एरर है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको खोला, ठीक है, इस पर देखा टैक्सेबल टैक्स भी दिख रहा है, टैक्सेबल अमाउंट भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक बार टैक्स वाले अमाउंट को ओपन करना है, CGST वाले अमाउंट को। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने टाइप हो ड्यूटी टैक्स तो GST सेलेक्ट किया है, लेकिन टैक्स टाइप क्या सेलेक्ट किया है, सेस किया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए सेंट्रल टैक्स, क्योंकि CGST है इसलिए सेंट्रल टैक्स होगा। ठीक है, जैसे ही हमने सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट किया तो देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर टैक्स चार्ज हो गया। उसके बाद SGST में भी नहीं आ रहा है, सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ड्यूटी टैक्स में GST है पर टाइप टैक्स टाइप में क्या है, सेस है, इसलिए यहाँ पे स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके जैसे ही सेव करेंगे इसको तो ये देखेंगे कि आपकी CGST और SGST दोनों ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों ये ये भी रीज़न है जिसके वजह से आपका जो सेल इनवॉइस पे ऑटोमेटिक चार्ज नहीं होता है। तो आप यहाँ से भी एक बार जाके अपने चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कोई एरर तो नहीं कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम छठा रीजन जिसकी वजह से हम टैक्स ऑटोमेटिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए बाबा फुटवेयर है जिसको कुछ हम सामान बेच रहे हैं और इस पर जब हम CGST SGST लगा रहे हैं क्योंकि ये लोकल पार्टी है, ठीक है, तो दिख रहे हैं कि इस पर टैक्स ऑटोमेटिक चार्ज नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है इसको हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, क्यों चेक करें कैसे, ऑल टे करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे आपको एनालिसिस खुलेगा। ठीक है, ऑल्ट ए जैसे ही करेंगे तो आपके सामने एक एनालिसिस खुलेगा, लेकिन हम ऑल्ट क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ ऑल्ट ए तो कर रहे हैं बट यहाँ पे एनालिसिस कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपने जो GST आपने जो कंपनी में आपने जो वो डेट डाला है अप्लीकेबल वाला, GST अप्लीकेबल फॉर्म वाला, ये 1 जुलाई से डाला है और बिल कब बना रहे हैं, अप्रैल में, यानी GST अप्लीकेबल कब अपनी कंपनी में कर रहे हैं, 1 जुलाई से, लेकिन बिल कब बना रहे हैं, 1 अप्रैल से। तो भाई पीछे के डेट का तो इनवाइस नहीं बनेगा ना, GST अप्लीकेबल नहीं होगा ना, इसलिए आप इसको 1 अप्रैल यहाँ पर करेंगे। तो जैसे ही 1 अप्रैल करेंगे सिलेक्ट,
तो आपका जो इनवाइस है उस पर जाके एक बार चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपकी टैक्स ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने 1 अप्रैल कर दिया, यहाँ पर जैसे ही हमने सेलेक्ट किया CGST HGST, तो देखेंगे कि हमारी ये टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने अपने जो कंपनी क्रिएट किया है और आपने कंपनी में जो GST अप्लीकेबल का डेट डाला है वो 1 जुलाई डाल दिया या 1 अगस्त डाल दिया, लेकिन आपने जो बिल बना रहे हैं वो जुलाई और अगस्त से पहले के बिल बना रहे हैं, तो उस केस में भी आपके इनवाइस पे टैक्स के अमाउंट ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये सारे चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब सातवां रीजन आप पकड़ते हैं कि सातवां रीजन क्या है भाई। अब ये लोकल पार्टी है, इस पर भी हम CGST HGST चार्ज करेंगे क्योंकि लोकल है। ठीक है, देखेंगे कि इस पर टैक्स तो चार्ज नहीं हो रहा है। एनालिसिस करके देखा तो हमने यहाँ पे एरर क्या दिख रहे हैं कि टैक्स रेट जो है टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, अब ये रीजन तो है, तो अब इसको लिए कहाँ से चेक करेंगे आप? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आइटम पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आइटम पे, और इसको एक बार ओपन करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे GST अप्लीकेबल तो ठीक है, GST डिटेल्स को यस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे GST डिटेल्स एक बार ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो अप्लीकेबल फॉर्म किया है हमने 1 अगस्त 2022 किया है, जबकि हमारी जो इनवाइस है वो अप्रैल के बना रहे हैं, और यहाँ पे GST अप्लीकेबल कब से कर दिया है? 1 अगस्त 2022। तो इस केस में भी आपको जो इनवाइस बनाएंगे उस पर GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2022 करके इसको सिंपली सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे, इसको सेव करके बाहर आएंगे और इनवाइस पर आके जब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों ये सातवां रीजन था जो कि जिसके वजह से आपकी सेल इनवाइस पर ऑटोमेटिक चार्ज नहीं करता है। तो आप यहाँ से जाके एक बार चेक जरूर कर सकते हैं कि यहाँ से एरर तो नहीं है। ठीक है, अगला जो है आठवां रीजन, कि आठवां रीजन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम जब सेल इनवाइस बनाते हैं तो उस पर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह से मैंने सेम एक सेल वाउचर खोला। ठीक है, अब इस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, क्या चार्ज करेंगे? टैक्स। अब यहाँ पर CGST और SGST चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये पार्टी कहाँ के हैं? लोकल पार्टी है। ठीक है, अब इसके एनालिसिस करके देख रहे हैं, टैक्स अमाउंट तो शो कर रहा है बट हमारी जो उस लेजर पे सिलेक्ट कर रहे हैं CGST SGST तो नहीं चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? सेल वाउचर पे गए। ठीक है, सेल अकाउंट पे गए, सॉरी सेल अकाउंट वाले लेजर पे गए, यहाँ पे क्लिक किए तो देखें यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे इंडस्ट्री सिलेक्ट किया है, जबकि यहाँ होना चाहिए सेल टैक्सीबल। ठीक है, सेल टैक्सीबल सिलेक्ट करके जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आठवां रीजन जिसके वजह से आपकी सेल इनवाइस पे टैक्स ऑटोमेटिक ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। आप इस तरह का एरर आया तो यहाँ से भी आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नौवां रीजन जिसके वजह से आपके सेल इनवाइस पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, नौवां रीजन खोल लिए, अब उसके लिए हम वाउचर खोलते हैं, सेल एक इनवाइस खोलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इस पर। ठीक है, हमने बिल बनाया है, उस कैश में सेल कर रहे हैं और इस पर हम टैक्स चार्ज करके देखते हैं कि क्या इस पर टैक्स चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने CGST और SGST चार्ज किया क्योंकि ये हमारी लोकल सेल कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर CGST SGST चार्ज किया। बट अब क्या देख रहे हैं कि इस पर हमारी टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका रीज़न पता करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ऑल्ट ए करना है, एनालिसिस खोलना है। एनालिसिस से कुछ हद तक तो आपको पता चल ही जाएगा कि रीज़न क्या है। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? आइटम वाले लेजर पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? आइटम के लेजर पे, जो आइटम हमने बनाया है उसको एक बार चेक करेंगे कि इसमें क्यों नहीं आ रहा है भाई टैक्स। तो यहाँ से गए, हमने GST डिटेल्स को यस किया, देन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने इसको क्या कर दिया है, टैक्सेबिलिटी को एग्जम्प्ट कर दिया है। पीछे मैंने बताया था कि नील रेटेड आपने गलती से कर दिया था, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, एग्जम्प्टेड कर दिया है। अगर एग्जम्प्टेड कर देंगे तो उस केस में भी आपके बिल पे टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सिंपली देखेंगे कि 1 अप्रैल से तो चार था लेकिन 12 तारीख से इस पर देख रहे हैं कि एग्जम्प्टेड है, तो इस केस में भी आपकी जो इनवाइस होगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के एरर आए तो आप यहाँ से भी एक बार जाकर जरूर चेक करें कि अगर आपकी इनवाइस पे ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो क्या ये रीज़न से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये नौवां रीजन था जिसकी वजह से आपकी इनवाइस पे ऑटो कैलकुलेट टैक्स चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं दसवां रीजन, कि ऐसा दसवां रीजन ऐसा क्या है जिसके वजह से हमारी सेल इनवाइस पे टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है।
अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, कैश सेल कर रहे हैं, इस पर हम लोकल सेल किया CGST AGST लगा रहे हैं, बट क्या देख रहे हैं कि इस पर हमारे टैक्स तो चार्ज हो ही नहीं रहा है। अब इसको कैसे चेक करें भाई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट ए करना है, जिसे कि एनालिस खुलेगा, जिसमें कुछ हद तक आपको ये पता चल जाएगा कि क्या एरर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया तो देखा कि यार इस पर तो टैक्स चार्ज ही नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या आ गए, CGST के जो लेजर हैं टैक्स का, उसमें जाकर देखेंगे कि हमने इसमें टाइप और ड्यूटी टैक्स को अदर कर दिया है, जबकि ये है CGST क्या है, GST है, और SGST क्या है, GST है। तो CGST और SGST वाले ऑप्शन में एक बार जाके इस अदर जो कर दिया है इसको हम GST कर देंगे। तो जैसे ही GST करेंगे तो ये देखेंगे क्या कि हमारी जो टैक्स है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों ये कुछ 10 रीजन है जिसके वजह से आपके सेल इनवाइस में ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।